में ये मेला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पदाधिकारी ने हमें खबर किया। मैं एक पल भी रुके बिना यह सोचे कि जब तक हम जनता के बीच में जाएंगे नहीं, अपने नीतियों को बताएंगे नहीं, हमारा सरकार आगे किस तरह बढ़ेगी। हम आज क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, ये योजना को जन जन तक लाने का काम हम लोग के लिए है, हमारे लिए है, आप सभी के लिए है। आज जो ये मेला लगाया गया है बेरोजगारों के लिए, कि कहीं भी किसी भी तरह का राह कभी बंद नहीं हो सकता है अगर आप में कुछ भी क्षमता है तो। ये अभी प्रधानमंत्री जी का योजना चल रहा है, हमारे बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना चल रहा है, इसमें अनेकों अनेक प्रोग्राम है, जिसमें एक प्रोग्राम ये भी अग्रसर है। अभी बताया कि महिलाओं के लिए इसमें द्वार, इस तरह का कंपनी जो आ रहा है, आप इसे सहर्ष जाने और इसके बीच में जाए और लोगों तक बताए। जल को आग कहते हैं, कुछ को राग कहते हैं, बिहार में विकास करने वाले को विकास पुरुष नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं। शराफत कम नहीं होती, सोना टुकड़े टुकड़े भी हो जाए लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होती। आपकी तकदीर कभी भी बदल सकती है। इसलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त सबको मजबूर बना देता है। और ये युवा शक्ति जो कि वाहक है, जो परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, सरकार उनके सुंदर भविष्य की कामना के लिए आपके पास आपका भक्ति का प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। आप जो युवा शक्ति 21वीं सदी में जन्म लिए हैं और लंबे समय तक इस 21वीं सदी के कार्य क्षेत्र के गवाह होंगे। इधर बैठे हुए लोग 50 वर्ष की अवधि पार कर चुके हैं, लेकिन उधर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो 50 वर्ष से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। आज सरकार ने इस 50 वर्ष की दूरी तय करने वाले नौजवानों के लिए एक सुंदर भविष्य के लिए, जो बिहार के अंदर हीनता की भावना रहती थी, खास करके श्रमिक के परिश्रम के बच्चों का, लोग श्रमिक का मतलब मजदूर का मतलब समझता था, मजबूर है। लेकिन मजदूर मजबूर नहीं है, श्रमिक सृजन करता है, निर्माता है, ये विश्वकर्मा के संतान है। जिस राज में उन्होंने गया है उस राज की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया है और उनके बच्चे बेहाल हिंसा से ग्रसित न रहे। सरकार ने आज कौशल विकास मिशन के माध्यम से KYP सेंटर का हर ब्लॉक के अंदर शुरुआत किया। सरकारी भवन के अंदर भी, निजी भवन के अंदर भी कंप्यूटर का ज्ञान, उसे कौशल संवाद, किस तरह से बात करें, कौशल व्यवहार का भी ज्ञान मिल रहा है। और आज हमारे बच्चे बड़े ही सम्मान के साथ इसको 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। आज ITI के अंदर भी प्रशिक्षण हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। उस ITI के अंदर एक बड़ा परिवर्तन की शुरुआत हमने किया है। बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री के माध्यम से अपने संस्था को चलाकर अपनी रोटी की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन कई की रोटी छीन लेते हैं। गरीब बच्चे, मजदूर, सामान्य वर्ग के बच्चे कर्ज लेकर जमीन बेचकर वो डिग्री खरीद लेता है, लेकिन जब ये रोजगार मेला लगता है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 10+2 के बच्चे चले जाते हैं, लेकिन ITI के बच्चे वंचित रह जाते हैं। आज इसी को लेकर के सभी बिहार के ITI के लोगों को हमने एक नए ढंग से एग्जामिनेशन की व्यवस्था बनाई है।
सबको निर्देशित किया है कि आपको हर हाल में प्रशिक्षण जमीन पर देना होगा, ताकि हमारे बच्चे जो टेक्निकल प्लेसमेंट है उसमें 63% आईटीआई के बच्चों का होता है, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग का 27% ही होता है। तो बिहार के बच्चे की भी भागीदारी दूसरे राज्य की तरह हो, इसके लिए परिवर्तन आवश्यक है, इसमें सबकी सहयोग की जरूरत है। आज उसी तरह से जनरल एजुकेशन से, पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग से, आईटीआई से जो बच्चे हमारे निकलते हैं, सरकार ने स्वयं सहायता भत्ता के माध्यम से प्रोत्साहन राशि 1000 रुपया देने का कार्य शुरू किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपया उन्हें आगे पढ़ने के लिए दिया है। स्वरोजगार करने के लिए मुद्रा योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी आज मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए 1 दर्जन योजना का शुरुआत किया है। जन्म से मृत्यु तक की योजना है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके 4 लाख रुपया दुर्घटना बीमा स्वाभाविक मृत्यु पर। इसका दायरा को बढ़ाया है। ये मनरेगा मजदूर है, सिर्फ भवन निर्माण से जुड़े मजदूर ही नहीं, इसमें जोड़ा है हमने इलाज के लिए भी देते हैं।